हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली कॉमेडी। सो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात करेंगे सिल्वर के जो फ्यूचर्स है वो यहाँ पर करेंटली मार्केट में जिस तरह चल रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पर जो है नई पोजीशन हम यहाँ पर किस तरह से बना सकते हैं। सो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हमें गोल्ड के अंदर जिस तरह तेज़ी देखने को मिल रही है उसी तरह यहाँ पर हमें सिल्वर के अंदर भी एक अच्छी जो तेज़ी है वो यहाँ पर हमें देखने को मिली है। मोटा मोटी अगर हम यहाँ पर प्राइस को भी देखते हैं तो यहाँ पर हमें इसी प्राइस बैंड 75,200 के आसपास जो है यहाँ पर हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और एक अच्छी खासी जो तेज़ी के बाद थोड़ा बहुत अगर यहाँ पर अपसाइड के अंदर ही अगर ज़्यादा देर तक अगर कॉन्सोलिडेट करता है तो ये जो सेंटीमेंट रहेगा काफ़ी ज़्यादा जो है प्योर शॉट रहेगा कि एक अच्छा सा अगर कॉन्सोलिडेशन इसी प्राइस बैंड के अंदर ज़्यादा देर तक होता है, जितना ज़्यादा देर तक यहाँ पर कॉन्सोलिडेशन होता है और यहाँ पर समझ लीजिए एक अच्छा सा अपसाइड मोमेंटम भी आता है, अपसाइड हल्का सा भी टिक आता है तो एक अच्छे से जो लॉन्ग पोजीशन है वो फॉर्मेशन के लिए ये जो सेंटीमेंट है काफ़ी ज़्यादा जो यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट देखने को मिल सकता है। लॉन्ग पोजीशन के लिए काफ़ी अच्छा संकेत है और शॉर्ट पोजीशन के लिए फॉर द टाइम बिंग यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंस जो है यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। बट फिर भी अगर यहाँ पर जो कैंडल जाती भी है 74,600 के प्राइस बैंड के नीचे तो यहाँ पर आप जो है शॉर्ट पोजीशन बनाने का सोच सकते हो। होप करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी और यहाँ पर ट्रेडिंग के हिसाब से मदद कर रही होगी। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और माय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।